हेलो फ्रेंड्स, 30 मार्च के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। कौन सी भारतीय मूल की महिला अमेरिकी राज्य की कनेक्टिकट की सहायक पुलिस अधीक्षक बनी है? विच इंडियन ओरिजिन वुमेन हैज बिकम द असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ यूएस स्टेट कनेक्टिकट। तो ये मनमीत कॉलन जो है, ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आपके यहाँ भी ASP SSP होते हैं, तो वो वहां बनी है मनमीत कॉलन अपॉइंटमेंट में ही। अच्छा क्वेश्चन, याद रखिए। भारत और किस देश में रक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय यानी बाइलेटरल वार्ता, बाइलेटरल टॉक ऑन डिफेंस कोऑपरेशन, तो ये रोमानिया के बीच में हुआ है। किसने कैप्टिव रोजगार योजना की शुरुआत की है? गिरिराज सिंह ने कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम की शुरुआत की है, कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम। नेक्स्ट है, किस देश में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति तैयार की गई है? विच कंट्री हैज प्रिपेयर्ड द नेशनल जीनोम स्ट्रेटजी? UAE ने ये किया है। किस बैंक ने पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ये यस बैंक ने जारी किया है। आगे बढ़ते हैं। टेक्सास यूनिवर्सिटी ने किससे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? तो ये नवीन जिंदल को, टेक्सास यूनिवर्सिटी ने, आप जानते हो जिंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, तो नवीन जिंदल को ये अवार्ड दिया गया है। किस देश में घातक मार्बर्ग वायरस के प्रकोप की घोषणा की है? अभी मार्बर्ग वायरस जो है एक नए किस्म का वायरस है, तो तंजानिया में इसकी घोषणा की गई है। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखना है, ये वायरस काफी सालों से अब न्यूज में आता रहता है, कौन से जगह पे अलग अलग वायरस आते हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, तो आपको ये ध्यान रखना है। बात समझ में आया आपको? यस। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के NGO तपोवन को चिल्ड्रेन चैंपियंस अवार्ड से नामित किया गया? विच स्टेट्स NGO तपोवन हैज नॉमिनेटेड फॉर चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड? असम में। किस बैंक ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख के दान की घोषणा की है? वृक्षारोपण यानी कि फॉरेस्टेशन के लिए ये आपको 48 लाख देगा SBI। ठीक है, अब आज जो रिवाइज करेंगे हम लोग, वो दो तीन दिनों के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, करेंट अफेयर्स हम लोग काफी दिनों के रिवाइज करेंगे आज। 28 से शुरू करते हैं। रूस ने किस देश में परमाणु हथियार तैनात करने की घोषणा की? बेलारूस में। आपको मालूम है रूस यूक्रेन का, रशिया अनाउंस टू डिप्लॉय न्यूक्लियर वेपन्स इन, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स ये होगा, सिर्फ डराने के लिए होगा ऐसा कहा जा रहा है, बेलारूस में किया जाएगा। किसने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया? अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट भूपेंद्र यादव ने किया है। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? ये मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जीत लिया मुंबई इंडियंस ने। इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े LMV3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? तो 36। इसरो हैज लॉन्च इंडियाज बिगेस्ट LVM3 रॉकेट विथ हाउ मेनी सैटेलाइट्स? तो 36 सैटेलाइट्स इसके साथ भेजे गए हैं। नाम क्या है? LVM। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द पैनल ऑन द पेंशन स्कीम? TV सोमनाथन। किसे पेंशन योजना पर पैनल का प्रमुख नियुक्त किया गया है? TV सोमनाथन को। ठीक है, वेयर वाज द सेकेंड G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड? तो ये चेन्नई में किया गया, दूसरी G20 वर्किंग फ्रेमवर्क की बैठक आयोजित हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसने पहली दिल्ली धर्मशाला उड़ान को हरी झंडी दिखाई है? हु हैज फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट दिल्ली टू धर्मशाला फ्लाइट? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह किया है। वेयर विल बी द सेकेंड क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग विल बी हेल्ड? तो ये सेकेंड क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो है वो गांधीनगर में आयोजित की जाएगी। हु वाज द जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड एट द फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023? ईसा अंबानी को ये अवार्ड मिलेगा। ठीक है, कौन सा अवार्ड है? फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड। हु हैज वन द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023? आलिया मीर को ये अवार्ड दिया गया। विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट डिल्मा रॉसेफ याद रखिएगा, हैज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ NDB यानी नेशनल डेवलपमेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक के ये चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, अब आते हैं 29 मार्च के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए हैं? स्कॉटलैंड के ये प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए हैं। रोज हम लोग 2 से 3 दिन के करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं। किस देश में कृत्रिम लक्ष्य पर सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल दागी है? इन विच कंट्री हैज फायर्ड द सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल ऑन एन आर्टिफिशियल टारगेट? तो ये रशिया ने ये कंप्लीट कर लिया है इसके ट्रायल। ठीक है, किसने बेंगलुरु में भगवान बसेश्वर और नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है? अनावरण मतलब वी हु हैज अनविल्ड द आइडल्स ऑफ लॉर्ड बसेश्वर एंड नाद प्रभु इन कैंपेगौड़ा।
बेंगलुरु, तो ये अमित शाह ने किया है। दो चीजें याद रखिएगा, बसवेश्वर की मूर्ति का अनावरण कहाँ हुआ है, तो बेंगलुरु में, कैंपेगौड़ा में हुआ है, एयरपोर्ट भी है कैंपेगौड़ा। किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित कर दिया, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर है सस्पेंडेड जुडिशियल रिफॉर्म्स फॉलोइंग नेशन वाइड प्रोटेस्ट, तो ये इसराइल ने किया है। गेटवे ऑफ इंडिया में एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने, हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन टू स्विम फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया टू एलिफेंटा केव्स, तो ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है, कृष्ण प्रकाश, ठीक है, कृष्ण प्रकाश ने ये कंप्लीट कर लिया। अगला है, भारत और अफ्रीकी देशों की सेनाओं का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है पुणे में, इंडिया और अफ्रीका के जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के साथ साथ वहां की सेना प्रमुखों को भी मीटिंग सम्मेलन जो कहलवा कॉन्फ्रेंस ये पुणे में हुआ है। किस आईआईटी ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया, आईआईटी मद्रास, विच आईआईटी हैज डेवलप्ड डिवाइस टू डिटेक्ट एडल्ट्रेशन इन मिल्क, लद्दाख साहित्य सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन बीडी मिश्रा ने किया है, हु हैज इनॉग्रेटेड द थर्ड एडिशन ऑफ लद्दाख लिटरेचर कॉन्फ्रेंस, आईएमएफ ने किस अफ्रीकी देश को 80.77 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है, बुर्किना फासो, विश्व बैंक ने किस राज्य को बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए 108 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है, तो ये असम को ये मंजूरी दिया, यानी जो फ्लड मैनेजमेंट होता है तो उसको वर्ल्ड बैंक बहुत ज्यादा प्रमोशन करता है जनरली वाटर वाले मुद्दे पे, ठीक है, आपको पता ही है इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुआ था, सिद्धू जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसको भी वर्ल्ड बैंक ने ही मेडिएशन किया था, तो ये एक चीज नोट कर लो आप कि सिंधु घाटी बार बार न्यूज में आता रहता है, किस बैंक ने, तो ये वर्ल्ड बैंक ने असम में 108 मिलियन लोन प्रोवाइड करेगी बाढ़ से निपटने के लिए, ठीक है। और आज के करंट अफेयर्स आप लोगों ने देखे हैं, और आज जो कमेंट करके बताना है किस देश ने घातक मार्बर्ग वायरस के प्रकोप की घोषणा की है, तो ये ऑप्शन है रशिया, यूक्रेन, यूके एंड तंजानिया, जो भी राइट आंसर होगा वो आप जरूर कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, थैंक यू सो मच।